जो है हम अपने छोटे जंगल में पहुंच चुके हैं, तो हमने इनको पहले ही खोला हुआ है। मतलब ये सारी रात खुली रहती है, इनको बिल्ली का खतरा वगैरह नहीं है, तो इसलिए हम इनको बंद नहीं करते। तो ये सारा दिन घूमती रहती है, सारा दिन ये देखे ना, अब वहाँ पे देख रही है कि कबूतरों के बाजरा वगैरह गिरा हुआ कि वो खा ले, इस तरह कुछ कर ले। तो बाकी जो है हम अपने सारे परिंदे वगैरह खोलते हैं, खरगोश वगैरह खोलते हैं, तो अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। खुद खोल रहे हैं, कहते मैं भाई आज मैं खोलता हूँ, तो मैंने कहा खुद खोल दी। जो है ना ये वाला जो हमने छोटा बनाया हुआ था, जो खड्डा टाइप, लेकिन वो जो है वो हमारी पत्नी ज़्यादा बड़ी है, एक तो वो मसला है, दूसरा उसके साथ जो दरख्त है ना, वो उनके पानी की वजह से वो नीचे को गिरने वाले हुए पड़े हैं। तो ये जो है ये बंद करके हम जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसके दरमियान में मतलब बनाएंगे कि यहाँ पर कोई चीज़ भी ना आए, और आराम से पानी वगैरह इसमें डाल देंगे ताकि साइडों से दरख्त वगैरह कोई चीज़ डैमेज ना हो। तो जल्दी जल्दी हम यहाँ पे बनाते हैं उसको, जो यहाँ से मिट्टी निकलेगी उसको बंद कर देंगे। तो देखते हैं जल्दी जल्दी बनाकर। आप वगैरह बना लिया आपने परिंदों का, तो इसमें पानी वगैरह भरने देते हैं। देखें बहुत ज़्यादा आज गहराई में किया हुआ है, तो जल्दी जल्दी हम इसको भर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी जितनी भी डक सारी उस साइड पे खड़ी हैं उनको यहाँ पर ले आएंगे। तो जल्दी जल्दी ये भर जाए, उसके बाद हम अपनी डक्स को इसके अंदर छोड़ते हैं। हमारी डक्स खुद ब खुद यहाँ पर आ चुकी है, और पानी वगैरह भरता देख कर वो जो है वो देखे ना फिर दोबारा से वापस जा रही है। अभी पानी फुल होगा तो हमारी डक्स जो है वो इसके अंदर आराम से जा सके। हमारी चकोरे जो है वो यहाँ पे ना मिट्टी में नहा कर तो साफ हो चुकी है, और ये देखें इस तरह मिट्टी में नहाती हैं। तो चेक करें माशाल्लाह से चकोरे नहा रही होंगी, मिट्टी में नजर आ रही होंगी आपको। द्वार के सामने खड़े होके अजाने दे रहा है, आपको नजर आ रहा होगा। माशाल्लाह से हमारी डक जो है वो प्यारी लगती हैं, और हमने जो पूल बनाया है वो भी चेक करें माशाल्लाह से काफी बड़ा बनाया है ताकि ये सुकून से नहा सके। हमारी चकोरे भी आपको नहाती नजर आती होंगी, लेकिन मिट्टी में नहाती हैं चकोरे वगैरह, और जो बतखे वगैरह है ये पानी में नहाती हैं। डक्स नहा कर अपने बालों की सफाई करती नजर आ रही होंगी आपको, तो ये अपने अब बालों की सफाई वगैरह कर रही हैं और अपने आप को साफ कर रही हैं। खरगोश माशाल्लाह से चेक करें, ऊपर दरख्त से गिरे हुए पत्ते वगैरह बाकी जितनी भी चीजें हैं सारी खा लेता है, तो देखें पत्ते वगैरह ढूंढकर वो खा रहा है। तो माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी बात है, और हमारा ब्लैक खरगोश जो है वो हमारी वीडियो के अंदर आना चाहता है और सामने आकर खड़ा हो चुका है। और बाकी यहाँ पर हमारे कबूतर और हमारी डक्स वो पिंजरे के अंदर जाना चाह रही है कि बाजरा वगैरह जितना भी गिरा हुआ है नीचे वो खा ले, लेकिन आज हमने पिंजरे वगैरह बंद किए हुए हैं, और हमारा खरगोश हमें ही देखी जा रहा है कि ये क्या कर रहा है। हमारे सारे परिंदे जो हैं वो एक जगह पर इकट्ठे हो चुके हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। तो माशाल्लाह से जो रैबिट फैमिली है माशाल्लाह से एक ही जगह पर इकट्ठी होकर ठंडी छांव में ठंडी जगह पर आकर बैठ चुकी है, आपको नजर आ रही होगी। और सारे जो है वो एक ही जगह पर इकट्ठे हो चुके हैं और आराम से बैठे हुए हैं। हमारी चकोरे जो है वो आवाजें दे रही हैं ऊंची ऊंची, तो इतने दिनों बाद आज आवाजें दे रही हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छी लग रही हैं। और
आज खुश है और जिसकी वजह से आवाजें वगैरह दे रही है। हमारे तमाम कबूतर जो हैं माशाल्लाह से एक ही जगह पर इकट्ठे हैं, कल की तरह आज हमें तंग नहीं कर रहे। मैं तो इन्हें खोल ही नहीं रहा था कि ये हमें तंग करेंगे, लेकिन माशाल्लाह से आज हमें तंग नहीं किया इन्होंने, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे कबूतर जो है वो एक कबूतर जहाँ पे जाता है बाकी सारे वहीं पर चले जाते हैं। तो आज हमारे कबूतर सिर्फ 2 मिनट के लिए ऊपर बैठे थे, बाकी फिर नीचे आ गए, फिर सारे कबूतर एक साथ घूमने लग गए हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ सारे परिंदे वगैरह बहुत खुश हैं और चेक करें सारे मतलब मिलजुल कर रह रहे हैं, कोई किसी पे कुछ भी अटैक नहीं कर रहा। अब आसमान भी साफ है और धूप भी सही निकली है और तमाम जो हमारे परिंदे वगैरह हैं वो आज खुश हैं। और देखें हमारे जितने भी दरख्त वगैरह हैं सब हरे भरे हो चुके हैं और सामने चेक करें कितनी ग्रीनरी नज़र आ रही है। हमारे तमाम दरख्त जो हैं उनसे मिट्टी हट चुकी है, इसकी वजह से सारे के सारे जितने भी दरख्त हैं वो साफ़ सुथरे नज़र आ रहे हैं। हमारी खरगोश भी हमारे पास ही आकर बैठी रहती है, तो मैंने इसको उठा लिया है और चेक करेंगे मेरे पास आकर कितनी खुश है, कोई भागने का नाम या कुछ डर नहीं रही। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे जितने भी परिंदे वगैरह हैं या खरगोश वगैरह हैं वो मुझसे डरते बहुत कम हैं और मेरे साथ घुल मिल जाते हैं। और ये चेक करें, यहाँ पर चेक करें मेरी डक सारी मेरे सामने आकर खुल गई है। आप शायद मजाक लग रहा होगा, मेरे सारी डक्स वगैरह यहाँ पर खुल गई मेरे पास आकर मेरे से नहीं डरते। अगर कोई बाहर वाला भाई आ जाए या कोई लड़का आ जाए ना तो वो उनसे डरने लग जाती हैं और भागने लग जाती हैं, मगर मैं जब आ जाता हूँ तो मेरे पास पास करीब करीब ही रहती हैं। अपने तमाम परिंदों को बाजरा वगैरह डाल दिया, तो चेक करें हमारी तमाम जितने भी हैं देखें, चाहे वो कबूतर हो चाहे वो सारे बाजरा वगैरह बत्तखें वगैरह भी डाल दिया। आज मैंने अपनी खरगोशों को और बत्तखों को भी बाजरा डाल दिया, मतलब ये भी ये सुकून से आराम से खा रही हैं। चेक करें अब डर भी नहीं रही और सुकून से खा रही हैं। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारा छोटा सा चैनल छोटा जंगल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।